बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे दो तीन बंदों ने एक क्वेश्चन पूछा है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना दूं कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया वो ये है कि अपने सिम के कॉन्टैक्ट्स को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं अगर आपने सिम अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर डाली हुई है। तो इसका एक आसान हल मैं आपको बताऊँगा जिसकी मदद से सिम के कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर पाएंगे। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आप सिम के कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने चले जाना है गूगल प्ले स्टोर के अंदर। जब ये आप गूगल प्ले स्टोर के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे आके आपने टाइप कर लेना है सिंपल कॉन्टैक्ट्स। सिंपल कॉन्टैक्ट्स की जो ऐप होगी वो आपने जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आपको सिंपल कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहा है, तो इसको हम जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। जब ये आपके पास ऐप इंस्टॉल हो जाए, इस ऐप के अंदर चले जाना है। जब आप ऐप को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सारे आपके फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट सेव हैं, चाहे वो फ़ोन के अंदर हैं, सिम के अंदर हैं या ई मेल के अंदर हैं, वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब सिम वाले कॉन्टैक्ट्स को डिलीट किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में एक फ़िल्टर वाला आइकन नज़र आ रहा होगा। सर्च के साथ शॉर्ट वाला आइकन है और शॉर्ट वाले के साथ फिल्टर वाला आइकन है, ये जो ट्रायंगल सी बनी हुई है लाइनों की, इसको क्लिक कर देना है। जब इसको आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके अकाउंट जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो सेव हैं, वो आपको नजर आ जाएंगे। तो आपने सिर्फ यहाँ पे सिम वाले कॉन्टैक्ट्स को टिक रहने देना है, बाकी जो है उनको अनटिक कर देना है। तो यहाँ से मैं व्हाट्सएप को भी अनटिक कर देता हूँ, अपनी सारी जो ई मेल वाले हैं उनको भी अनटिक कर देता हूँ, और सिर्फ दो जो सिम वाले हैं उनको मैं टिक करके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सिर्फ कुछ कॉन्टैक्ट्स जो कि मेरे सिम्स के अंदर थे वो सारे जो है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। इनको आप आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। मैं अगर इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता जाऊँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो सिलेक्ट होते जा रहे हैं। इसी तरीके से जो रिमेनिंग कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इनको टॉप राइट कॉर्नर पे तीन डॉट्स होंगी, इनके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो मैं डिलीट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। आर यू श्योर टू डिलीट 17 कॉन्टैक्ट्स, आपसे पूछेगा, तो मैं यस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो इस तरीके से आपके सिम के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो डिलीट हो सकते हैं। इतना आसान तरीका है, इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। इसके बारे में अगर आपको कुछ जो कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रही कि आप किस तरीके से इसको डिलीट कर सकते हैं, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। या अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पे आपको हेल्प मिल जाएगी, आप मुझसे वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।